फिल्म कबीर सिंह ने तोड़ा एक और रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं चैनल शान पंजाबी और मैं हूं एमी। बॉलीवुड की चटपटी खबरों में एक और अपडेट लेकर आपके बीच हाजिर हूं। कबीर सिंह बनी 2019 की सबसे बड़ी फिल्म, तोड़ दिया एक और बड़ा रिकॉर्ड। शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े ही हैं, लेकिन विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म तहलका मचा रही है। ट्रेड रिपोर्ट्स की माने तो ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त कामयाबी हासिल कर चुकी है कबीर सिंह, जहां जल्द ही $1 मिलियन को टच करने जा रही है कबीर सिंह। ऑस्ट्रेलिया में कबीर सिंह ने सलमान खान की फिल्म भारत और इस साल की सबसे सफल उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक को भी पीछे छोड़ दिया है। ट्रेड विशेषज्ञों की अगर बात की जाए तो उनके मुताबिक कबीर सिंह ऑस्ट्रेलिया में लगभग 46 करोड़ रुपए कमा चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर गली बॉय है जिसने 45 करोड़ कमाए थे। तीसरे स्थान की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर है उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक जिसने 42 करोड़ कमाए थे, और चौथे स्थान पर थी सलमान खान की फिल्म भारत जिसने लगभग 40 करोड़ रुपए कमाए थे। पांचवें स्थान की बात की जाए तो इस साल की डिजास्टर फिल्मों में से एक कलंक शामिल है जिसने लगभग 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। भारत में कबीर सिंह ने 2019 की अब तक की सबसे सफल फिल्मों में अपना नाम पहले ही शुमार कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही विक्की कौशल की फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक की कलेक्शन को भी वो पीछे छोड़ देंगे, जिसने लगभग 2045 करोड़ जमा किए थे, और इसके साथ ही फर्स्ट हाफ में रिलीज हुई फिल्मों में सबसे अधिक नेट कलेक्शन करने वाली फिल्म बन जाएगी। कबीर सिंह ने 16 दिनों में 226 करोड़ से अधिक राशि बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट कर चुकी है। बात की जाए अगर कबीर सिंह की तो फिल्म को बहुत प्यार मिल रहा है। जहां फिल्म को प्यार मिल रहा है वहीं फिल्म के संगीत को भी बहुत सराहा जा रहा है। कबीर सिंह के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और शाहिद कपूर इस पर पूरा खरा उतरे। मैं आऊँगा फिर से लेकर कोई नया अपडेट। आप देखते रहें चैनल शान पंजाबी। जल्दी तो जल्दी चैनल नु सब्सक्राइब कर लो ताकि थोनू वधिया तो वधिया अपडेट्स मिलदियां रहन, ते बेल आइकन नु प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलियो। तुसी देख रहे हो चैनल शान पंजाबी, माण पंजाब दा।